एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था, कैसे हम एम्पियर लूप का सिलेक्शन करते थे, किन किन कंडीशंस को अगर हम ध्यान रखें ताकि हमारा जो एम्पियर लूप है हमें मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन दे ताकि हम इजीली एप्लीकेशन सॉल्व कर सकें, उस लूप के अंदर से जो करंट्स जा रही है उन करंट की डायरेक्शंस पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, ये सब डिस्कस हमने किया था। एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो प्योरली एम्पियर लॉ पे बेसिस था, जिसने हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि कैसे करंट आई एंड क्लोज का हमें सिलेक्शन करना है, और भी हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, सब कुछ पिछले वीडियो में। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, यानी जैसे बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था फिर उसकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की थी, वैसे ही आज हम यहाँ करने वाले हैं एम्पियर लॉ की एप्लीकेशन डिस्कस। पहली एप्लीकेशन जो है सोलेनोइड, वैसे ऑलरेडी एक एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, बायो सावर्ट में भी कॉमन थी वो, और वही एप्लीकेशन बायो सावर्ट में थी इनफाइनाइट वायर वाली, और वही एप्लीकेशन अपनी एम्पियर लॉ में थी जो पिछले वीडियो पर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से अपने स्टार्ट कर रहे हैं आज सोलेनोइड से। सोलेनोइड कोई नया नाम नहीं है, जो बच्चे ट्वेल्थ में है टेंथ क्लास की फिजिक्स में सबने पढ़ा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनता है वो आपने वहाँ पढ़ा था, उसका यूज़ क्या है कि उसका यूज़ हम करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में, ये भी आपको पढ़ा होगा, ध्यान होगा, लेकिन उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है वो हमने नहीं पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा था वो हमने जरूर पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो हमने डिस्कस नहीं किया था, वो आज करेंगे, ट्वेल्थ क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो सोलेनोइड क्या होता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, स्प्रिंग देखी आपने, चाहे स्पायरल बाइंडिंग आपकी नोटबुक में देखो आप, ठीक है, या चाहे आप पेन में जो अपने टिक टिक वाले पेन आते हैं उनके अंदर भी स्प्रिंग लगी होती है, बाइक के शॉकर्स देखे होंगे आपने उनमें भी स्प्रिंग शेप का ही वो शॉकर्स होते हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। अब इसके अंदर मैं करंट फ्लो करता हूँ, मान लीजिए अब जैसे मैं करंट फ्लो करूँगा तो ये करंट क्या होगी, एक लूप की फॉर्म में आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। ये दिखाने के लिए मैंने काफ़ी दूर दूर किया है, जनरली प्रैक्टिकली ये क्लोजली वाउंड होते हैं, यानी इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, आगे समझ में। तो ये एक सोलेनोइड है, अभी सोलेनोइड में क्या होगा, जैसे करंट फ्लो होती है तो हमने पढ़ रखा है करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। अभी बताएंगे कैसे पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो वो पैटर्न कैसे बनता है, ऐसे बनता है, टेंथ क्लास में भी आपने पैटर्न पढ़ा है, और ये पैटर्न कैसा है, ये पैटर्न है आपका यूनिफॉर्म पैटर्न है कि सारी लाइन कैसे पैरेलल, ये कैसे बना, मान लो करंट इसके अंदर ऐसे फ्लो होके जा रही है, इस लूप में करंट ऐसे, सॉरी सोलेनोइड में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यानी ये वाले पोर्शन में करंट ये गई, फर्स्ट टर्न में करंट जब ऐसे गई तो इसका कर्ल फिंगर रखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड शो करो, इधर बना। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड बना, तुरंत ही करंट घूम के अगले टर्न में आई, सेकेंड टर्न में आई, तो उसके करंट फ्लो होने से उसका मैग्नेटिक फील्ड बना, फिर थर्ड का बना, फिर फोर्थ का बना, एंड सो ऑन। इस तरह से क्या हुआ कि ये फील्ड लाइंस ऐड होते गए होते गए, तो ये बैंड ना होके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते गए चलते गए चलते गए यहाँ तक, और जैसे ही एंड आया, एंड आते क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब बैंड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लेंस ऐसे बैंड होगी, और बैंड होके क्योंकि आपने पढ़ा है टेंथ क्लास में तो पढ़ लिया आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेंस, हम अभी नेक्स्ट चैप्टर फिफ्थ आएगा तब दोबारा डिस्कस करेंगे, वो प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लेंस क्लोज लूप बनाती है, यानी जहाँ से वो स्टार्ट होती है वापस वहीं ख़त्म होती है, ये घूम के वापस आएगी और यहाँ आएगी, ये घूम के वापस आएगी और ऐसे आएगी, ये घूम के वापस आएगी और वापस लूप अपना कंप्लीट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं करती, केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने क्लोज लूप बनाती है, कंप्लीट करती है, ठीक है। अब हमारा आज का मोटिव क्या है, सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ,
इस लॉ का यूज करके हमें सोलेनोइड के अंदर कोई पॉइंट है वहां का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो हमने 10th क्लास से पढ़ता है ना, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या हुआ कि आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए इनसाइड सोलेनोइड, आपका मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। इसका मतलब आप किसी पॉइंट पर निकाल लीजिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक ही आई। तो मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे क्या है कि ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा इजीली हमें समझ में आ जाएगी हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार तो आपको समझ में आ गया कि हम इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालने वाला है। ऐसा एक सोलेनोइड है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो देखो क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन पावर यूज करनी है आपको, इमेजिन करना है। देखो सपोज करो कि अब मैं इसको, आपने स्पाइरल बाइंडिंग का रजिस्टर देखा होगा, आपने रजिस्टर होता है इसमें, इस पर स्पाइरल बाइंडिंग होती है, कुछ वैसा ही आप लीजिए। आप मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर से ऐसे एक वायर निकाला, ये वायर इस बोर्ड में से निकल रहा है और ऐसे घूम के कर्व बन के अंदर जा रहा है, यानी इस वाला, ये वाला पोर्शन में वायर अंदर तरफ जा रहा है। जब वायर अंदर जा रहा है तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस यूज़ करते हैं। किसी भी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाए या करंट जाए या कुछ भी जाए, उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए इनसाइड द प्लेन हम क्रॉस यूज करते हैं, और आउटसाइड द प्लेन के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं, वही हम यहां करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये यहां से मान लो निकल के ये गया अंदर, इस पॉइंट पे ये वायर अंदर चला गया, जिस पॉइंट पे वायर अंदर गया वहां मैंने क्रॉस कर दिया। अब इमेजिन करो ये वायर अंदर गया उस तरफ बोर्ड के पीछे से ये घूम के आया और वापस बोर्ड से बाहर निकल रहा है, यानी पीछे गया और घूम के वापस बाहर निकल रहा है। मान लो यहां से ये बाहर निकल रहा है, बाहर निकलना मतलब डॉट शो कर दिया मैंने, फिर ये वापस घूमेगा और वापस जाए, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, वो सोलेनोइड जो स्प्रिंग है उसका आधा पोर्शन तो मैं बोर्ड के इधर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आधा उधर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वायर निकला यहाँ से, ये गया अंदर, बोर्ड के पीछे गया, फिर बोर्ड के पीछे से घूम के आया, फिर इधर आ गया। अब मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करने वाला हूँ, कुछ इस तरह से आपका सोलेनोइड में शो कर रहा हूँ। ठीक है, यानी मैं एक तरह से दिखा रहा हूँ कि करंट आपकी, करंट और वायर को मैं साथ साथ ले रहा हूँ इस तरह से, यानी ये करंट निकली, करंट गई, करंट निकली, करंट गई, यानी इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है ऐसे। यानी अगर मेरी तरफ से देखूँ तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती हुई इस तरह से वो आगे जाके बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस बनती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, वो मैंने यहाँ पे शो कर दी, कहीं दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया जिस पॉइंट पे ये निकाला। अब कुछ एक बात है इस सोलेनोइड को लेके मैं देख लेते हैं। पहली बात तो क्या है कि मैं ये सोलेनोइड ले रहा हूँ वो एल लेंथ का ले रहा हूँ, किसका ले रहा हूँ, एल लेंथ का एक सोलेनोइड मैंने ले लिया। देखिए अब इस सोलेनोइड के पास क्या नंबर ऑफ टर्न्स है, ऐसे घुमाओगे तो इसके पास क्या नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारे टर्न्स है। जैसे अगर यहाँ समझिए आप, आगे भी काम में आएगी बात जो बता रहा हूँ मैं अभी, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। लेट मान लो कि इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है टोटल, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस सोलेनोइड के पास कितने हैं, लेट 200 टर्न्स है। 10 सेंटीमीटर वायर के, सॉरी 10 सेंटीमीटर लंबे सोलेनोइड के पास 200 टन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर के पास कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, 20 टन्स होगा। क्या आंसर होगा, 20 टन्स। तो ये 1 सेंटीमीटर है, इसके लिए मैंने एक नाम यूज किया है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, 1 कुछ भी जैसे आपको लगे, यानी 1 आना चाहिए उसकी यूनिट। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हुए, 20 नंबर ऑफ टर्न्स हुए। तो इसके लिए मैं एक सिंबल यूज कर रहा हूँ एन। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इस एग्जांपल में देखो आपकी इसकी वैल्यू तो क्या है, एल होगी, यानी एल की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर। टोटल टर्न्स को हम लिखते हैं कैपिटल एन से, जितने नंबर ऑफ टर्न्स उस सोलेनोइड के पास है उसको लिखते हैं कैपिटल एन से, और पर सेंटीमीटर यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं उसको मैं लिखता हूं स्मॉल एन से। तो ये तीन चीज आ गई है, एन, कैपिटल एन, स्मॉल एन, ये तीन चीजें यहां पे आ गई है। आ गई बात समझ में,
तो अब आपसे अगर पूछूं कि अब एन को, इस एन को लेके, इस एन को लेके, इस एल को लेके एक फॉर्मूला बना रहा हूं, दैट कैपिटल एन यानी नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंथ। कैसा होगा कि नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 200, क्या आ जाएंगे क्या? देखो n की वैल्यू क्या, अपने केस में 1 सेंटीमीटर पर 20 टर्न्स है, कितनी है लेंथ, 10 सेंटीमीटर है, तो क्या n की वैल्यू 200 नहीं आई? तो ऐसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है विच शो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू वॉट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंथ, यही हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में आपको रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको स्मॉल n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको समझ में आ गया, और कैपिटल n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैविंग सोलेनोइड। आगे बात सुन में, तो अब यहाँ पे आ गया अपना। तो अब क्या काम करना है हमें, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना, किसका यूज करना है, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करना है। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या करता है, पहले लूप का सिलेक्शन करता है, लूप हमें लेना है। लूप कल बताया था मैंने, एक सर्कल भी लूप होता है, एक स्क्वायर भी लूप होता है, एक रेक्टेंगल भी लूप होता है। कल हमने जब स्टेट वायर का जब देखा था, तो स्टेट वायर में हमारी कोशिश क्या होती है, मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था आपको कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ हम लूप जब लें तो वो तीन कंडीशन को ध्यान रखना है। या तो वो क्या होना चाहिए, वो लूप की जो लेंथ है वो टेंजेंशियल होनी चाहिए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, या परपेंडिकुलर होनी चाहिए, या वह मैग्नेटिक फील्ड होना नहीं चाहिए। ये हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। कल वाले में हमने ये ध्यान रखा था, याद कीजिए, जब स्टेट वायर से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती थी वो कैसी बनती है, सर्कुलर शेप में बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। तो उन सर्कल के अकॉर्डिंग हमने लूप भी सर्कल ले लिया, ताकि वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के टेंजेंशियल हो गए, यानी थीटा दोनों के बीच में 0 बन गया। बी डॉट डी एल में क्या था, बी डी एल कॉस थीटा 0 हो गया, 1 हो गया, कैलकुलेशन ईजी हो गई। आज भी हम ये फोकस करने वाले, आज हमें दिख गया कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन से दिख रही है, तो यहाँ पे अगर मैं वो लूँगा क्या, सर्कल लूँगा, तो मुझे एंगल्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एंगल्स की प्रॉब्लम। कोस थीटा, मान लो कोस 42 बनेगा कहाँ पे, कहाँ पे कोस 57 बनेगा, ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैं ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं लूप का सिलेक्शन ऐसे करूँगा ताकि ये मुझे सपोर्ट करे, यानी थीटा या तो 0 मिले या 90 मिले, दो केस थे ना कल, या मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं वहाँ पे। तो देखो आज वो तीनों कंडीशन आप एक साथ देखने वाले हो। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को लेके मैंने एक इस तरह से एक रेक्टेंगल एम्पियर्स लूप ले लिया। क्या लिया मैंने, ये रेक्टेंगल एम्पियर्स लूप ले लिया है। अब देखो, अब जो तीन कंडीशन है, देखिए अगर इस लूप को अगर मैं डायरेक्शन ले लूँ, इस लूप को मैंने ऐसे डायरेक्शन ले ली, चलो ये डायरेक्शन मैंने लूप की ले लिया, लूप का नाम दे दिया ए बी सी डी, ये मैंने लूप का नाम दे दिया। आगे समझ में, अब देखो ये वाला जो लूप का पोर्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा 0 बना रहा है, दोनों एक साथ है, 0 वाली कंडीशन आ गई। ये वाला जो लूप का पोर्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 बना रहा है, 90 वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है आपको, सर कैसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्यों नहीं है, होने को देखो, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूम के ऐसे जा रही है, लेकिन हमने जो पॉइंट लिया है, मान लो ये लूप जो घुमाया है वो लूप बहुत जस्ट अबव द नंबर ऑफ टर्न्स, बिल्कुल इसके पास से लेके आए, और हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना ही नहीं है। वो लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपकी फील्ड लाइन निकली है, वो घूम के ऐसे जाएगी, थोड़ा सा दूर से जाएगी, यानी जस्ट इसके अबव यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बना ही नहीं, ठीक है। तो कल वाली तीनों कंडीशन ये एक अकेला लूप फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो अपना एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना, एम्पियर्स लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये तो होता है। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इस लूप को, क्योंकि ये पूरे लूप का होता है, अब इस लूप को मैं चार हिस्सों में बांट रहा हूँ, यानी मैंने बी डॉट डी एल ए से बी, ए से बी वाला पार्ट ले लिया, इसका मैं बी डॉट डी एल निकाल लेता हूँ, बी डॉट डी एल B से C ये वाला पार्ट ले लिया, प्लस B डॉट डी एल
सी से डी, ये वाला पार्ट ले लिया सी से डी, और ये वाला पार्ट बच गया यानी डी से सी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या बच गया म्यू नॉट आई। यहाँ आई क्या है एनक्लोज करंट, किसके एनक्लोज करंट लूप की, ये ध्यान रखना लूप में करंट काउंट करनी है अपन को, इसको लेकर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखो आप पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बी डॉट डी एल पे आ जाओ, बी डॉट डी एल बी ए से बी, पहले ए से बी, यहाँ देखो क्या है थीटा आपका, थीटा कितना है क्योंकि यही तो आपका लूप की डायरेक्शन है, यही आपका मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा यहाँ पर कितना बन रहा है जीरो डिग्री बन रहा है। तो ये बी डॉट डी एल क्या था, बी डी एल कॉस, बी डी एल कॉस जीरो डिग्री आता, कॉस जीरो कितना होता है वन होता है, तो क्या बचता बी डी एल ही बचता, इसलिए मैं इसको डॉट रख दूँ। अब यहाँ पर क्या बचा केवल बी डी एल बच गया, ठीक है आप नोट कर लेना इसको पोज करके, मैं इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, आगे स्टेप नहीं बढ़ा क्योंकि बोर्ड अपने पास कम है। अब यहाँ देखो बी से सी मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, लूप ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, लूप ये रहा, थीटा कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है जीरो, तो यहाँ बी डी एल कॉस 90, कॉस 90 जीरो, पूरी टर्म जीरो, यानी यहाँ पे क्या आ गया इधर तो ये बी डॉट डी एल ये जीरो हो गया, और अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे इसका सेक्शन देखो, आने से डिस्टर्बेंस हो गया, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये तो ए से बी आपका क्या आ गया बी डी एल कॉस जीरो वन हो गया, वन मल्टीप्लाई में आ गया, ये टोटल हो गया जीरो क्योंकि कॉस 90 बन रहा, तो बी डी एल कॉस 90 जीरो होता तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, बड़ा ईजी है समझना, कोई दिक्कत ही नहीं है। बी डी एल इसमें देखो, अब यहाँ मैंने कहा था कि यहाँ अपन इतना जस्ट अबव द आपके नंबर ऑफ टर्न सोलेनोइड के ऊपर लिया है, सोलेनोइड जस्ट ऊपर लिया, जहां हम कंसीडर कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बनाई ही नहीं जीरो है, ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो ये भी पूरा क्या हो गया जीरो हो गया, प्लस बी डी एल इसमें देखो यहां भी कितना बन रहा है आपका 90 बन रहा है, 90 बनने से कॉस 90 जीरो होता तो ये भी जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हमारा आ गया, यानी हमारा अब एक्सप्रेशन क्या आ गया है। अब यहां पे और देख लीजिए, इंटीग्रेशन करूंगा बी ए से लेके बी तक, चलो आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चलोगे तो आप हर एक पॉइंट पे क्या देखोगे कि आपका पॉइंट कहाँ है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी सेम है, यानी बी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, सारे डी एल में जोड़ूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक डी एल जोड़ूंगा, और डी एल ए बी की लेंथ कितनी है एल के इक्वल है, तो सारे डी एल जोड़ने से मेरे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एल एल आ गया इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये म्यू नॉट आई आ गया। अब यहाँ हमारे लिए चैलेंज क्या है करंट आई निकालना, देखिए यहाँ ये समझना है थोड़ा सा दोबारा अपनी इमेजिनेशन पावर यूज करनी है, दिमाग की नसें हैं वो थोड़ी सी एक्टिव करनी है, और ध्यान देना यहाँ पे कि आई हम कैसे निकाल रहे हैं। देखिए लूप को आप मानो, अब देखो लूप के अंदर करंट देखनी है, यहाँ देखिए आप ऐसे मान लो कि ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ऐसे ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ये ऐसे दीवार बनी बड़ी बड़ी यहाँ तक, ऐसे ये दीवार बनी हुई, ऐसे ये दीवार बनी हुई, ऐसे ये दीवार बनी हुई, ठीक है आप इस दीवार इसके अंदर आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है यानी ये दीवार आ गई आपके सामने, और आप उस दीवार के चारों तरफ, ये चार दीवारी है ऐसे जो लूप ना रेक्टेंगल लूप, उस रेक्टेंगल लूप के अंदर आप हैं और ये चार दीवारी आपके चारों तरफ है, दीवार बहुत 20-20 फीट की दीवार है मान लीजिए आप। अब क्या हो रहा है, आप इसके पास जब खड़े थे तो आप क्या देख रहे हैं ऊपर से एक वायर आ रहा है, क्योंकि ये वायर ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, ये वायर घूम के ऐसे जा रहा है, लेकिन 20 फीट की दीवार है तो आपको वायर आता हुआ दिख रहा है, ये वायर आ गया पहला। अब आपको नहीं पता है कि वो वायर घूम के वापस और वापस घूम के वही आने वाला है, आपके हिसाब से क्या हुआ कि हाँ एक वायर आई करंट लेके आ रहा है, आ गया भाई एक, फिर आप यहाँ आ गए, आपको देखा कि इधर भी दूसरा वायर आई करंट लेके आ रहा है, होने का तो वो ही घूम के वापस आ रहे हैं, वही एक ही वायर है जो घूम घूम के वापस आ रहा है, लेकिन लूप के हिसाब से आप देखोगे तो आपको एक आता हुआ लगा, दूसरा आता हुआ लगा, तीसरा आता हुआ लगा, चौथा आता हुआ लगा, पांचवा आता हुआ लगा, ऐसे वो वन बाय दिख रहे हैं, आपको ये दिख रहा नहीं है कि ये एक ही सिंगल पार्ट है, आपके हिसाब से तो एक वायर, दो वायर, तीन वायर, चार वायर, पांच वायर, दस वायर, यानी एक वायर आई करंट लेके आ रहा है तो 10 वायर 10 आई करंट लेके आ रहा है, कितने लेके आ रहा है 10 आई करंट लेके आ रहा है। और आपने कहा कि हाँ उस लूप के अंदर जो करंट एनक्लोज है हम तो उसको ही काउंट करते हैं, तो मेरे लिए तो 10 आई करंट है जो लूप के अंदर एनक्लोज है,
होने का तो वही आई सिंगल करंट ही घूम के आ रही है, लेकिन जब हम लूप की बात करेंगे तो लूप में कौन कौन सी करंट है वो देखनी है। तो आपको एक आती दिखी, खत्म, आपको नहीं पता वो कहाँ जा रही है, चली गई। फिर दूसरे दोबारा वायर दिखाता हुआ, तीसरा वायर दिखा हुआ, चौथा वायर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि दीवारें बहुत ऊंची ऊंची, आप ये देख नहीं पा रहे हो कि उधर से ही घूम के वापस आ रही है। आपके हिसाब से वही वायर क्या हो रहा है, रिपीट होता हुआ रहा है। आगे बात, यही कॉन्सेप्ट यहाँ देखना था। तो यहाँ ये 10i करंट है, ठीक है। अब ये 10i तो अपन एग्जांपल लिए, आप इस हिसाब से बताओ कि ये कितनी करंट होगी। तो देखो अभी मैंने बताया था कि अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उतनी करंट होगी, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उतनी बार करंट क्या हो रही है उस लूप में एंटर हो रही है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, क्या होता है NL, एक इतने नंबर ऑफ टर्न्स है और एक जो टर्न है आपका एक सिंगल टर्न है वो कितनी करंट लेके आ रहा है, I लेके आ रहा है। कितनी करंट लेके आ रहा है, I लेके आ रहा है। तो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने लेके आएंगे, NL, एक सिंगल टर्न, सॉरी NI, एक सिंगल टर्न है, एक सिंगल टर्न है वो क्या लेके आ रहा है, I करंट लेके आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने लेके आएंगे, NI, N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू है NLI, यानी टोटल एनक्लोज करंट कितनी हुई, NLI, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं टोटल एम्बुलेंस के साउंड ने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, टोटल एनक्लोज करंट, कोरोना चल रहा है भाई, कोरोना में ध्यान रखो, घर में रहो, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाहर कम निकला करो, पढ़ाई लिखाई के साधन इतने हो गए हैं कि घर बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अपने परिवार का ध्यान रखो, बाहर कम से कम जाने की कोशिश करो, क्योंकि ये एक बुरा टाइम चल रहा है सबके लिए और बहुत बुरी बुरी खबरें आपके सबको मिलती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो आप सब ध्यान रखिए अपना और सुरक्षित रहिए, ठीक है। तो टोटल एनक्लोज करंट कितनी होगी, एक नंबर ऑफ टर्न्स कितने लेके आ रहा है, एक लेके आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, NL है। तो टोटल टर्न्स के टोटल करंट कितनी हुई, NLI, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट और NI की जगह NLI आपका आ गया, L से L कैंसिल, B is equal to mu naught NI, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी हमें यूज आता है कई बार न्यूमेरिकल में, हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन नहीं होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होते हैं और लेंथ गिवन होती है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी इस N को, स्मॉल N को N डिवाइड बाई L की फॉर्म में यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारी सोलेनोइड की एप्लीकेशन होगी जो अपने NCERT में CBSE के सिलेबस में है, ठीक है। अब एक दूसरी डिवाइसेस का नाम है टोरॉइड, ठीक है। टोरॉइड और सोलेनोइड दोनों का देखो, अभी हम इसका भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और दोनों का एक्सप्रेशन सेम आएगा, दोनों का एक्सप्रेशन इनसाइड द टोरॉइड और इनसाइड द सोलेनोइड दोनों का एक्सप्रेशन सेम ही आने वाला है। दोनों की शेप में डिफरेंस है, शेप में क्या डिफरेंस है अभी देखो, मैं डायग्राम से आपको क्लियर करता हूँ कि क्या शेप में डिफरेंस है, ठीक है। देखिए अभी आपने देखा सोलेनोइड कैसा होता है, ऐसा होता है, ये आपका सोलेनोइड था, ठीक है। अब इस सोलेनोइड को इस तरह से पकड़ो दोनों एंड से और पकड़ के घुमा दो, ऐसे ऐसे एक सर्कल सा बना दो, ऐसा एक सर्कल सा बना दो, ऐसे बैटर नहीं बनेगा फिर भी ठीक है, समझ लायक बन जाएगा, ऐसा बनाते हैं इसको। ये जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। और जैसे मैंने इसके लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाने से बाद में मैंने कहा था कि कैसे हमें डॉट यूज़ करना है, कैसे क्रॉस यूज़ करना है, वैसे सिमिलर प्रोसेस हम इसके लिए फॉलो करेंगे। इसमें भी डॉट होंगे, मान लीजिए ऐसे ये डॉट बना और ये निकली, ये क्रॉस बना, फिर ये घूम के आया, ये डॉट बना, गया क्रॉस बना, इस तरह से, ठीक है। अब मेरे ख्याल में पीछे सोलेनोइड में आप समझ गए, तो यहाँ भी आप इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लॉजिक लगा सकते हो आप आराम से। और ये सारे वो डॉट्स है, इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया इसका, जैसे इसके लिए हमने ऐसे डायग्राम बनाया था, ठीक है।
ठीक है। अब ऐसे ही हम इसके लिए ऐसा डायग्राम बना दिया। अब देखो क्या होगा, इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनी थी और ये क्लोज लूप बना रही थी, ये क्या कर रही थी, ऐसे क्लोज लूप बना रही थी। जब आपने इसको पकड़ के ऐसे घुमाया तो इनका नेचर क्या है, अपना क्लोज लूप बनाना। तो अब हुआ क्या कि ज़्यादातर यानी ऑलमोस्ट सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी वो अपना क्लोज लूप विथ इन द टोरॉइड ही बना लिया, यानी अंदर ही क्या हो गया, ये टोटल आपका मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइन हो गया, इस टोरॉइड के अंदर ही फंस गया है। और ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको दिख रही है, इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नहीं है, इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नहीं है, यानी यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नहीं है तो यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बी जीरो, और यहाँ भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ भी बी जीरो। अब बसता कहाँ है, अंदर। कितना बनेगा, देखो लॉजिक से देखें तो इस वाले केस से और इस वाले केस में कोई डिफरेंस नहीं आया, यानी बी इजिकल टू म्यू नॉट एन आई की बात करूँ तो मैं जो एक्सप्रेशन था, म्यू नॉट पहले भी था, पहले भी हमने यहाँ स्पेस कंसिडर कर रखा था और अब भी हमने यहाँ पर स्पेस कंसिडर कर रखा है, ठीक है। दूसरी चीज़ n नंबर ऑफ टर्न्स पहले भी वही थे, अभी वही है कि हमने उसी को पकड़ के ऐसे घुमाया, और i मान लो करंट मैंने जो इस पर फ्लो की वो इस पर फ्लो करूँगा, तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम आने वाला है। जो फॉर्मेलिटी हम कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ले ली, ऐसे मान लीजिए इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बन रही, देख लें करंट ऐसे आ रही है, ऐसे करंट बन रही, ऐसे करंट आ रही है, ऐसे करंट इस तरह से करंट अंदर जा रही ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे बनेगा, मतलब ये करंट जा रही है तो थंब ऐसे ना, तो ये डायरेक्शन ऐसे शो करो, ये डायरेक्शन ऐसे शो करो। अब देखो, अब आप लूप का सिलेक्शन करना सीख जाओगे। अब आपको दिख गया है कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स सर्कल में बन रही है तो लूप भी हमें सर्कुलर ही लेना है ताकि हमारे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट पर निकालना है तो इस पॉइंट को लेकर मैंने ये क्या ड्रॉ कर लिया, एक एम्पेयर लूप ड्रॉ कर लिया, क्या ड्रॉ कर लिया, एम्पेयर लूप ड्रॉ कर लिया। फिर बड़ा इजी हो गया, देखो अब कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ए बी नोट आई, ठीक है। अब बी डॉट डी एल, अब यहाँ देखो आप सारे डी एल देखोगे तो यहाँ पे सारे डी एल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ चल रही है साथ साथ में, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है आपको दिख रही है वो सब की सब हर एक पॉइंट पे, हर एक डी एल पे, हर एक डी एल पे आप देखोगे वो थीटा जीरो ही बनाएगी, ठीक है। तो बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो अब देखो आपने लूप ये लिया है, आपने लूप ये लिया है, लूप के अंदर कौन है, ये डॉट वाले सारे पार्ट्स। अब जितने डॉट्स हैं उतने ही क्रॉस होते हैं, जितने डॉट्स हैं उतने ही क्रॉस है। अब ये मान लीजिए कि आपको मैंने एक चार दीवारी नहीं है, एक बहुत बड़ा सा सर्कल है, एक सर्कुलर है, सर्कुलर आर्क है और उस पर एक बहुत बड़ी अपने दीवारें खड़ी कर रखी है, यानी सर्कुलर फॉर्म में बहुत बड़ी दीवार खड़ी रखी है। अब हमारे पास क्या है, ये डॉट्स हैं, डॉट्स का मतलब करंट बाहर निकल रही, तो हमें एक वायर जाता हुआ दिख रहा है, दूसरा वायर जाता हुआ दिख रहा है, जो वायर गया है घूम के दीवार को उधर से वापस आके फिर वापस आ रहा है, ये हमें क्या लग रहा है कि हमें जाता हुआ दिख रहा है, एक वायर फिर दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। तो हम तो करंट कौन सी काउंट करते हैं, जो लूप के अंदर एनक्लोज है, और वो कौन सी है, एक दो तीन चार, यानी जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उतनी ज़्यादा करंट हमें वहाँ दिख रही है। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन एल स्मॉल एन और एल, तो नंबर ऑफ करंट्स भी कितनी होगी, एन एल आई, तो यहाँ पे दोबारा एन एल आई, जो पीछे मैंने बताया था वैसा का वैसा प्रोसेस हो जाएगा। कोस जीरो वन हो गया, बी कॉन्स्टेंट है इस हर एक पॉइंट पर कॉन्स्टेंट बी, और डी एल आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कैंसिल। तो दोबारा देखो जो अभी कहा था मैंने वो ही एक्सप्रेशन आपका आ गया है, ठीक है। ये दो एप्लीकेशन से जो अपने एनसीईआरटी में है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस है, ठीक है। क्वेश्चंस नीट में भी आए हुए हैं, तो अभी अपन दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अपन अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो अभी अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए देखिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक सोलेनोइड गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, जिसकी लेंथ गिवन है विच इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100 और
इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, 2.5 एम्पीयर। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लीजिए। फॉर्मूला पता है आपको, B=μ0nI। ठीक है, पर अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, म्यू नॉट एन की वैल्यू मैं अभी जो बताया था फॉर्मूला, एन अपॉन एल पी पुट कर सकते हैं। ठीक है, एन नीट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देखो इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना, वैल्यू आ जाएगी। म्यू नॉट क्या होता है, 4π × 10⁻⁷ होता है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, करंट 2.5 है, डिवाइड बाई लेंथ, लेंथ कितनी, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया, तो कैसे करूँगा, 10⁻² से कर दूंगा मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ फटाफट सॉल्व कर लीजिए, ये 2.5 का मैंने हटाया तो ये 10 आ गया। ठीक है, और ये 2 टाइम कैंसिल, ये 50 टाइम कैंसिल। ठीक है, और ये 10 से ये 5 टाइम कैंसिल कर दो इसको, और अब देख लो जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ से देखो, ये B=5×4 20, ये पाई है 3.14 लिख दिया मैंने, इंटू 10⁻⁷, 10⁻², ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵ बन जाएगा, और ये 100, ये टाउन तो नीचे 100 आएगा, 100 मतलब 10⁻² नीचे आएगा, ऊपर आने पे 10⁻²  बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 10⁻⁷ बन जाएगा। ठीक है, B=, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 6280×10⁻⁷ आ रहा है, और ऑप्शन में अगर देखें अपने पास तो 6.28×10⁻⁴ टेस्ला एक ऑप्शन होगा, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले पे था, एक क्वेश्चन टोरॉइड का और कर लेते हैं, फिर अलविदा कहते हैं। देखिए क्वेश्चन सर, दो टोरॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है दोनों के, दोनों की एवरेज रेडियस गिवन है, और दोनों में कह रहा है करंट भी सेम फ्लो हो रही है, तो ये बता रहा है कि इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इनसाइड द टोरॉइड, उनका रेशियो बताना है आपको। तो देखो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है B=μ0nI होता है। ठीक है, पर अब यहाँ पे देखिए स्मॉल n तो है नहीं, तो इसको हमने चेंज किया, किस में चेंज किया, n अपॉन l में चेंज किया। ठीक है, ये फर्स्ट टोरॉइड ले लीजिए, सेकेंड टोरॉइड ले लिया मैंने, तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब n, L भी अपने पास नहीं है, पर L एक्चुअल में क्या है, इस टोरॉइड की जो लेंथ थी, जो सोलेनोइड के फॉर्म में जो L लेंथ थी, उसको आपने घुमा के टोरॉइड बनाया, यानी लेंथ तो L है ही है, लेकिन अब वो सर्कल की फॉर्म में है, इसलिए लेंथ क्या हो गई, 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गई, तो यहाँ लेंथ को मैंने लिख दिया 2πr लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 जो होगा वो म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स अलग है इसलिए मैंने N2 यूज़ कर रहा हूँ, करंट दोनों में सेम फ्लो हो रही है तो I यूज़ कर लिया, और 2π रेडियस अलग है तो R2 यूज़ कर लिया, ऐसे यहाँ पे N1 और R1 यूज़ कर लिया। अगले समझ में, चलिए अब इनका रेशियो निकालना, तो आप बताइए जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे जो इक्वल वैल्यूज़ है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी, यानी कैंसिल हो गई, 2π से 2π भी कैंसिल हो जाएगा, यानी अब B1/B2 के फॉर्म में आपके पास इधर तो बचा है N1/R1 और इधर बचा है N2/R2। ठीक है, N1 की वैल्यू क्या है आपकी, 100/20, R1 20 ना, 100/20, N2 आपका 200 है, और डिवाइड बाय R2 आपका 40 है। ठीक है, तो अब इसको आप कैंसिल कर दो, ये 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, 5 5 1:1, ये आपके सिंपल क्वेश्चन है, अभी सोलनर टोरेड के आते हैं, इतने टफ क्वेश्चन अब तक तो नहीं आए, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ये एक दो फॉर्मूले हैं उनको आपको थोड़ा सा वेरिएशन करके यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारा सारा कुछ एम्पीयर्स लॉ को लेके था, हमने एम्पीयर्स लॉ पढ़ लिया, एम्पीयर्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में या CBSE में भी आए हैं उनको भी हमने इन दो वीडियो में डिस्कस किए हैं, एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखा था और दो क्वेश्चन आज हमने यहाँ देख लिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और अब हमारा टॉपिक क्या होगा, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। जनरली ये टॉपिक NCERT में पहले है, फिर आपका बायो सावर्ट आता है, फिर आपका एम्पीयर्स लॉ आता है, लेकिन हम थोड़ा सा क्या कन्विंस हो जाए, थोड़ा सा समझने में ईजी हो जाए, इसलिए हमने पहले बायो सावर्ट लॉ पढ़ लिया, एम्पीयर्स लॉ पढ़ लिया, और अब हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है वो भी, उसके बेसिस पे साइक्लोट्रॉन है वो भी पढ़ेंगे, तो अभी भी इस चैप्टर में बहुत सारी जान बची हुई है, वो सारी जान को अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।